तुझे नाम अमृत संजीवनी, वदन तुझे नाम अमृत संजीवनी। असता चक्रपाणी भयकवणा, वदन तुझे नाम अमृत संजीवनी, वदन तुझे नाम अमृत संजीवनी। जन्म मरणाची कायसी मग चिंता, या जन्म मरणाची, जन्म मरणाची कायसी मग चिंता, तुझिया शरणागता पंढरीनाथा, वदन तुझे। बांध दिया सब कुछ। ये क्या अभी जा रहे हैं? हाँ अभी निकलूंगा तो समय पर पहुंचूंगा। जाते जाते एक दो व्यापारियों को कपड़ा देकर चलना है। देखा ना कितना सारा हो गया है। देखिए धीरे धीरे जाइए। हाँ। मैंने खाना बनाया है, नामदेव के हाथ भिजवाती हूँ। कहा गया है क्या पता, कुछ मदद नहीं करता मेरी। नामदेव, ए नाम्या। अरे खेलने कूदने की उम्र है उसकी, घर में कैसे मिलेगा, गया होगा कहीं आजू बाजू। लेकिन घर के कामों में मदद तो करनी चाहिए ना। एक तो हमेशा खेलते रहता है या दोस्तों को जमा करके विठल विठल भजन करते रहता है। अरे भगवान का नाम लेता है तो अच्छी बात है, बचपन से ही भक्ति मार्ग की इच्छा होनी चाहिए। माँ 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 तुमने बुलाया मुझे। आओ आओ नामदेव, आओ बैठो। नामदेवा हम चले हैं बाजार, अब घर में तुम ही बड़े, हम नहीं तो पांडुरंग को प्रसाद चढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ईश्वर का भोजन फिर हमारा है। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भगवान को खाना खिलाऊंगा और उसके बाद ही मैं खाऊंगा। अच्छा। और आप कहती है कि नामदेव काम नहीं करता। देखते हैं प्रसाद के समय ये आता है या नहीं। माँ पिताजी घर में नहीं है तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ यहाँ, तो मुझे पूरा काम जिम्मेदारी से देखना ही पड़ेगा। मेरा अच्छा बेटा। चलो अब हम चलते हैं। चलो बड़े हो गए हो ना अब तुम, चलो मेरी मदद करो अभी, चलो चलो। अरे नामदेव आज तुम प्रसाद ले आए। अरे दामाशेठ कहाँ है? पिताजी बाजार गए हैं व्यापार के लिए, इसलिए भगवान को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मुझ पर है ना। भगवान को खिलाने के लिए? अच्छा। हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। ठीक है ठीक है, देखो जाते समय मंदिर का दरवाजा जरूर बंद कर लेना। क्या ये क्या गुरुजी, मंदिर का द्वार कभी बंद नहीं करते ना। कमाल करते हो नामा, अब देखो तुम भगवान को खिलाओगे। हाँ सच है। अरे वो तो थके हुए है सुबह से, वो काकड़ आरती, उसके बाद अभिषेक, महाविधि, पूजा, उसे आराम भी तो चाहिए। सच है गुरुजी, मैं द्वार बंद करके जाऊंगा। ठीक है चलो, हमारा नामा बड़ा हो गया। नैवेद्यम समर्पयामि
नैवेद्यम समर्पयामि। विठला पांडुरंगा, आज क्या तुम्हारा उपवास है? अगर वैसे कहा होता तो कुछ और ले आता, पर आज ना चतुर्थी है ना एकादशी, आज कैसा उपवास? मुझे पता है, आज पिताजी नहीं आए ना तुम्हें खाना खिलाने, इसलिए गुस्सा हो ना। पिताजी बाजार गए हैं व्यापार करने, इसलिए तुम्हें खाना खिलाने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है ना। चलो जल्दी से खा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ भी रुकी है वहाँ, तुमसे पहले कैसे खाना खाऊंगा मैं आंखें बंद करता हूँ। हाँ पांडुरंगा, अब बहुत हो गया मजाक, जल्दी से खाना खा लो वरना यही सिर पटक लूंगा। नामा, तुम्हारे जिद के आगे मैं शरण आ गया हूँ। तुम्हारे सात्विक भाव से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अरे तुम्हारे जैसे भक्त के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोलो बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? इतना खा लो तुम, तुम्हारे खाने से पहले मैं नहीं खा सकता। नामा, अरे तुम इतना प्यार से आग्रह कर रहे हो तो मैं मना कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसके आगे तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। खाना ही खाना है ना? नाम्या को प्रसाद चढ़ाने भेजा तो इतनी देर लगा दी, इसे कब समझ में आएगा ये विट्ठल ही जाने। माँ 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 माँ, ये देखो। नाम्या, अरे भगवान का प्रसाद क्या तूने खा लिया? नहीं माँ, विट्ठल ने खाया। कुछ भी मत बोलो। हाँ भगवान क्या प्रसाद खाता है? हाँ खाता है ना, ये थाली देखो, बहुत अच्छे से खाया पांडुरंग ने। नाम्या, ऐसे लोगों के सामने कहोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। सच बोलूंगा फिर भी? मतलब तुम ये कह रहे हो तुमने दिया हुआ प्रसाद विट्ठल ने खाया, उस पत्थर के मूर्ति ने खाया? नहीं माँ, मूर्ति से साक्षात विट्ठल प्रकट हो गया और मेरे साथ नीचे बैठकर अच्छे से खाया। सच कह रहे हो तुम? विट्ठल की कसम, तुम्हारी कसम। और इतना ही नहीं, तुमने दिया हुआ प्रसाद विट्ठल रोज खाएगा। तो ये सब तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ, उसमें क्या, मैं प्रसाद लेके जाऊंगा, तुम छुप कर देखना। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो ना। आता हूँ मैं हाथ मुंह धो के। सच कह रहा है ना? मेरा नाम्या मेरी झूठी कसम कभी नहीं लेगा। नाम्या जल्दी आ जाओ, खाना परोसती हूँ तुम्हें। आता हूँ। अरे 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 नामदेव,
मेरा पेट भर गया, अभी मुझे नहीं खाना है। और लो। रुको, अभी मैं तुम्हें खिलाता हूँ। देखो ऐसे नहीं खाना होगा। अरे 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 अरे, देखो खाओ खाओ खाओ। अरे अरे अरे, गणेशाय नमः। गुळा ते पाचा उभारिता झाला इच्छा भोजन, एका करी वैसवून तुच्छ करून बोलवी। कहो शिरिस्कम, कहो शिरिस्कम, शिरिस्कम विच्छि पक्षी मेळा। मच्छेंद्र पैसोनी वैशिष्ट्य सकळा, जाय म्हणता उता वेळा अंबराते जाती पये। मग पाचारून वर चरांसी, त्यासही देत आहारासी। आपुले हस्ते व्याघ्र सिंहासी, ग्रास नेत महाराज। क्यों नामदेव, आज दिवाली का पहला दिन इसलिए जल्दी उठ गए? हाँ, फिर मेरा अभ्यंग स्नान भी हो गया। सूर्य दर्शन होने के बाद खाना खाएंगे। तुम तो खा लोगे खाना, पर आज के दिन तुम्हारे विट्ठल को नहीं बुलाओगे खाना खाने के लिए? फलाहारी क्यों, अभ्यंग स्नान के लिए भी बुलाना था। सच है, कौन उसे अभ्यंग स्नान करवाएगा, कौन उसे खाना देगा, क्या करूं मैं माँ? अरे तुम्हारा पांडुरंग तुम्हारा कहना थोड़ी ना टालेगा, तुम बुलाओगे तो आएगा वो हमारे घर। माँ तुम तैयारियां करो, मैं अभी बुलाता हूँ पांडुरंग को। मंदिर से पांडुरंग कैसे आएगा, कैसे समझाओ इस बच्चे को? कुछ मत समझाइए, विट्ठल का बहुत प्रेम है नामदेव पर। वो उसकी हर बात मानता है। चलो ना देवा, चलो ना देवा, चलो देवा, चलो ना, चलो ना देवा, चलो ना देवा, चलो देवा, चलो ना। नामदेव, मैं तुम्हारा मन समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है, अभी भक्तगण आएंगे और अगर मैं यहाँ नहीं दिखा तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? हाँ, मंदिर खाली ना दिखे इतना ही ना। हाँ, मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ, तुम घर जाओ। धन्य हो तुम नामदेव, धन्य हो। यहाँ आओ, तुम जैसा चाहते हो वैसा करेंगे। ये क्या विठला, हंस क्यों रहे हो? अरे नामदेव, मेरे हाथ जैसे कमर पे है वैसे रखो पहले। ये ऐसे? हाँ बराबर। और लोग तुम्हें भगवान की प्रतिमा मानेंगे तो प्रतिमा जैसा ही खड़ा रहना है। और हाँ, हिलना नहीं, बोलना नहीं और डोलना भी नहीं, समझ गए? मैं जाऊं? रुको रुको रुको, अब क्या हुआ? सुबह की आरती को जो स्नान करवाते हैं वो पानी ठंडा होता है या गरम? बहुत ठंडा। बाप रे। ये सब तो तुम्हें सहना पड़ेगा नामदेव। रुको रुको, अब फिर से क्या हुआ? स्नान होने के बाद भक्त मुख पे मक्खन का जो गोला लगाते हैं ना। हाँ। वो खाया तो चलेगा ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं खाना उसे, वरना लोगों को समझ जाएगा ना तुम भगवान नहीं हो। पर मुझे मक्खन बहुत पसंद है। नहीं बिल्कुल नहीं। पहले तुम ठीक से खड़े रहो। हाँ, बहुत हिलते हो तुम।
छी, ये क्या विठला, यहाँ कितनी चीटियाँ है। नामदेव, अरे भक्तगण शक्कर रखते हैं ना, इसलिए होती है चीटियाँ। तुम हिलो मत अभी, ठीक से एक जगह खड़े रहो। ठीक क्या ठीक, यहाँ एक ही तो ईट है, इस पर कैसे खड़े रहे। नामदेव, मैं 28 युगों से इसी ईट पर खड़ा हूँ। बस बस अब तुम जाओ। तुमसे नहीं होगा तो बता। सब हो जाएगा, तुम जाओ। ये देखो नामदेव, तुम जाओ, मैं सब देख लूंगा। काटने दो चीटियों को, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है। भगवान होना आसान बात नहीं, यही सच है। विठला, विठला, कहाँ हो तुम? विठला कहाँ हो तुम? विठला, विठला कहाँ हो तुम? विठला, विठला कहाँ हो तुम? विठला, कैसा था मजाक? ये क्या? मन माझे पांडुरंगा का बाना घे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा। करी कोण ते मागणे तू ते मागू। दामाशेठ, ये दवाई लीजिए। नहीं नहीं। क्या नहीं? इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अरे नहीं, बाद में लेता हूँ। बाद में क्या, ये किसके लिए बनाया मैंने? अरे, ले लो इसे। अरे नहीं नहीं, बहुत कड़वा है वो। कड़वा है पर गुणकारी है, ले लो इसे। अरे नहीं नहीं, कहता हूँ। अच्छा रखो, बाद में लूंगा। वो कुछ नहीं, अभी के अभी लीजिए, मैंने कैसे रखने के लिए बनाया। अरे ना, अब बाद में लूंगा मैं। अरे रखो। देखिए नामदेव, आप तो बताइए। बाबा, इस जना के आगे किसी की चलती है क्या? हाँ? ले लो वो दवाई। सच है बेटा, मुझे अच्छा होना होगा, बाजार में जाना है तो तबीयत अच्छी होनी चाहिए ना। देखा नामदेव, ये ऐसी तबीयत लेके बाजार जा रहा है। अरे नहीं नहीं बाबा, ये कुछ ठीक नहीं। अरे लेकिन किसी को तो कपड़ा लेके बाजार जाना ही होगा ना। तो उसके लिए आपकी क्या जरूरत है? मैं लेकर जाऊंगा। तू जाएगा? पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। अरे कभी ना कभी तो इस व्यापार में तुम्हें ध्यान देना ही होगा। पांडुरंग। जैसा चाहते थे वैसा हो गया ना। चलो अब दवाई ले लो। ये मुझे ऐसे छोड़ेगी नहीं।
खाना ही पड़ेगा मुझे, दे। विठ्ठल 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 विठू माझा लेकुरवाळा संगे गोपी यांचा मेळा। क्यों रे जनी, नामदेव आरती के लिए नहीं आए? नामदेव राव सुबह ही बाजार गए। अच्छा ठीक है। कपड़े लेकर गए। अच्छा, अरे दामाजी शेठ बीमार है ना। हाँ, तभी तो कहूँ नामदेव महाराज आज कीर्तन करने नहीं आए। नामा जन्मला असा अवघ्या विश्वाचा सखा। हाँ 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 हाँ। ना बापंढरीचा वास म्हणे जनी नाम याची दास। विठ्ठल विठ्ठल देखो देखो विठ्ठल, कहते हैं ना फूल की सुगंध मिट्टी को, वैसे ये जनी नामदेव के संगत में रह के एक ज्ञानी हो गई है। इसलिए हम नामदेव का कोई सत्संग नहीं छोड़ते। हाँ, हाँ, हाँ। नामदेव का हरि कीर्तन मतलब ज्ञान भोजन। हाँ, हाँ, अलग ही अनुभव। हाँ, है। देखिए तो पंढरपुर में इतने संत है लेकिन नामदेव का अधिकार बड़ा। हाँ, लेकिन कुछ पंडितों को ये मंजूर नहीं। साक्षात ईश्वर को खाना खिलाना ये इतना आसान नहीं है। कोई कुछ भी कहे। हाँ, इन कर्मठों को लगता है कि वो अपना महत्व खो देंगे। हाँ चलिए, शाम तक नामदेव अगर आ गए तो मंदिर में कीर्तन। हाँ, के लिए चलो, मिलेंगे। पांडुरंग पांडुरंग, खाना खा लूं? हाँ? अच्छा, पहला निवाला किसे खिलाऊं? यहां पे तो कोई नजर नहीं आ रहा। कौवा नहीं, गाय नहीं, कुत्ता नहीं। क्या गणोबा, बैठे हो आराम से? आसपास कोई नहीं, लो तुम ही ले लो निवाला। हो गया आपका खाना? पांडुरंग हरि वासुदेव हरि पांडुरंग, तो आपके दोस्त को खिलाता हूं। झगड़ोबा ले लो, आपका भी खाना हो गया। वासुदेव हरि पांडुरंग, क्या है, अकेले से खाया नहीं जाता मुझसे, मेरे साथ खाना खाओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ ले लो, एक एक निवाला खा ही लो। लो लो झगड़ोबा, आप भी लो। पांडुरंग पांडुरंग। अरे 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 अरे, कितनी ये कड़ी धूप। हाँ गणोबा, रात को ठंड भी बहुत लगती होगी आपको। हाँ आपके शरीर पे तो पूरे कपड़े भी नहीं है, बहुत बहुत बुरा लगा। नामदेवा,
हमें भगवान ने जैसे भेजा वैसे आ गए। हमारी चिंता कौन करेगा, कौन देगा हमें कपड़े? अरे गणोबा, अरे जिस किसान के खेत का पानी बह न जाए इसलिए आप एक दीवार बने हो, जिसके लिए दिन रात खेत में काम कर रहे हो, उस किसान को भी आपकी चिंता नहीं। उस किसान को होगी हमारी चिंता, उसकी पत्नी गोबर का ढेर लगाती है हम पे। नहीं नहीं, तो फिर मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, मुझे बताओ मैं क्या करूं। नामदेवा, तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए, हमारा नसीब और हम क्या कर सकते हैं हम? नहीं नहीं गणोबा, दगड़ोबा, आप ऐसे निराश मत होना। ये देखो क्या है, ये सारे कपड़े लेके मैं जा रहा हूं बाजार, ये कपड़े बेचने के लिए। मैं ऐसे कर सकता हूं, ये सारे कपड़े मैं आपको दे सकता हूं, पर व्यवहार का क्या? व्यवहार का क्या नाम देवा, अगले बाजार को पूरा कर देते हैं हिसाब क्या? ऐसा कहते हो दगड़ोबा, उसका क्या है? हमारे पिताजी रामा शेठ हमसे हमेशा कहते हैं, नामदेवा तुम्हारा व्यवहार ज्ञान शून्य। व्यवहार और प्रेम इन्हें अलग रखना चाहिए, व्यवहार पक्का हो। बिल्कुल ठीक ही तो कहते हैं नामदेवा, बिल्कुल ठीक। तुम कुछ चिंता मत करो, सारे कपड़े हमें दे दो और अगले हफ्ते तुम्हारे पैसे लेके जाना, क्या? ऐसे कहते हो, देख लो। हाँ गणोबा, ये भरोसे का व्यवहार है। हाँ दगड़ोबा, आप होगे साक्षी, आपके सामने मैं ये सारे कपड़े गणोबा को दे देता, लेकिन पैसे पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ नामदेवा, मैं लेता हूं, मैं वचन देता हूं गणोबा की तरफ से। कीजिए व्यवहार पूरा कीजिए, आपके पैसे जरूर दे देंगे वो, कीजिए व्यवहार। ऐसे कहते हो, करूं व्यवहार, दे दूं सारे कपड़े? ठीक है गणोबा, ले लीजिए, तुम्हारी तरफ से वचन दिया है दगड़ोबा ने। हाँ ये लीजिए। ये लीजिए। हाँ वाह, ये लीजिए। वाह वाह वाह, ये लीजिए। सावळे हे रूप भासे मनोहर, उभा योगेश्वर विटेवरी। देखो तो, क्या दिख रहे हो गणोबा, क्या दिख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल पांडुरंग जैसे मनमोहक दिख रहे हो। वाह पांडुरंग 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 पांडुरंग। अच्छा गणोबा दगड़ोबा, चलते हैं, हाँ फिर मिलेंगे अगले बाजार को। हाँ मगर
अपना व्यवहार मत भूलना। वाह 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 गणोबा, शरीर पे कपड़े आने से कितने सुंदर लग रहे हो आप। चलो चलते हैं। पांडु पांडु विठ्ठल विठोबाला वाहू नाम विठोबाला वाहू नाम विठोबाला वाहू नाम गाऊ नाम घेऊ नाम गाऊ नाम घेऊ नाम घेऊ नाम ये पैसा आ गया, पिछले बाजार तक के सारे पैसे आ गए। ये नामदेव शाम से कहाँ गया है? इतने दूर से आया है वो और मंदिर चला गया कीर्तन के लिए। अच्छा, नहीं मुझसे मिला नहीं, लेकिन इतना सारा कपड़ा उसने बेचा किसको? कोई गणोबा पंथ है ऐसा कह रहा था नामदेव। अच्छा, इतने दिन आप जाते थे बाजार में। हाँ। तो 4-5 कपड़े तो वापस आ जाते थे, लेकिन नामदेव ने तो सारे कपड़े बेच दिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने पैसा दिया क्या तुम्हें? नहीं, गणोबा पंत अगले बाजार में सारे पैसे चुका देंगे ऐसा कह रहा था। क्या मतलब नामिया ने बगैर पैसे लिए सारा कपड़ा दे दिया? अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? दगड़ोबा पाटिल साक्षी है इसके, और इतना भी व्यवहार शून्य नहीं है नामदेव। हाँ लेकिन लिखा पढ़ी तो की है ना, उन दोनों के अंगूठे तो लिए है ना कागज पर, अता पता सब लेना चाहिए। वो कुछ मैंने नहीं पूछा उसे, लेकिन अगले बाजार तक आ जाएंगे पैसे। अगले बाजार तक मिलेंगे, ठीक है देखते हैं। लेकिन नामदेव काम करने लगा ये बड़ी खुशी की बात है। सच है, परमार्थ करते करते प्रपंच भी करना चाहिए, ये समझ गया उसे। जन हो, ईश्वर हम सब का उत्पन्न करता है, रक्षण करता है, वो निस्वार्थी है, वो देता है, मांगता कुछ नहीं। मांगता है क्या? नहीं। फिर जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया, मनुष्य बनाया, उस ईश्वर को हमें सदा याद रखना चाहिए। ईश्वर तो गीली मिट्टी समान होता है, जिस तरह से एक ही मिट्टी से भगवान बनता है, खिलौना बनता है, दिया बनता है, घड़ा बनता है, उसी तरह से ईश्वर भी हमारे भाव के अनुसार हमें दिखता है, मिलता है, बस हमारी दृष्टि साफ हो,
ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम सच्चा हो, ठीक है ना जनहो? जो ईश्वर के नाम का ध्यास लेता है, हमेशा उसके नाम का जाप करता है, ईश्वर हमेशा उसके आसपास ही होता है। एक बार जो ईश्वर नाम की रुचि चख ली तो वो हमें छोड़ता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। इस भवसागर को पार करना आसान नहीं है, और इसीलिए इस हरिनाम की नैया में बैठकर ही उसे पार करना होगा। और हां, इस ईश्वर का स्मरण करने का आसान मार्ग उसका नाम स्मरण है। इस ईश्वर का सदा नाम स्मरण करना, उसके नाम में ही आनंद है, समाधान है, जीवन का आनंद है। आइए इस पंढरीनाथ के नाम स्मरण में हम सब डूब जाते हैं, हाथ उठा के ताली बजा के इस ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, गजर करते हैं। इस ईश्वर का स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए हमें खुद को, इस संसार को भूलना होगा। कहिए विठ्ठल 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 विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, भगवान तुम पूरे विश्व के चालक हो। मैं अज्ञानी, गुस्से में मैंने हाथ कटवा लिए, लेकिन माए बापा तुम्हारी माया से वो वापस जुड़ गए। पांडुरंगा पांडुरंगा, ये तुम्हारे ही हाथ है, इन्हीं हाथों से तुम्हारी जीवन भर सेवा करूंगा। पांडुरंगा, जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। पांडुरंगा, अरे अरे, मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना भाग्यवान हूँ मैं, इन्हीं हाथों से सदैव तुम्हारी सेवा करूंगा, जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। पांडुरंगा, इतनी ही इच्छा है। पांडुरंगा पांडुरंगा। हम्म,
ये आपने कुछ अच्छा नहीं किया गुड़वा। अरे हमने आपके साथ व्यवहार किया, आपको आपको वचन दिया वो निभाया, किंतु किंतु आप अभी पैसों का नाम ही नहीं ले रहे हो, ये ठीक नहीं। अब बोलो भी कुछ, ये ऐसे मौन रखने से कुछ नहीं होगा। गणोबा दगड़ोबा आप ही बताइए, गणोबा ने ये ठीक किया? हाँ, अब व्यवहार भी कोई चीज है, पैसों का नाम ही नहीं ले रहे, अब बताओ। हमें आप पे दया आई इसलिए हमने हमारे सारे कपड़े आपको दे दिए, दिए ना, और अभी वापस आके देखता हूं तो एक भी वस्त्र नहीं है आपके शरीर पर, आश्चर्य। क्या क्या अब दामाशेट को क्या जवाब दूं मैं, बोलिए। अगर आप हमारे पैसे नहीं दे सकते हो तो एक काम कीजिए, आप ही हमारे साथ चलिए दामाशेट के पास और बताइए उनको कब और कैसे पैसे दोगे, बताइए उनको, चलिए। अच्छा लगता है मेरी बात का बुरा मान गए, ठीक है, आप नहीं आते हो तो मैं ही ले चलता हूं आपको हमारे दामाशेट के पास, चलिए उठिए उठिए। क्या है गणोबा, आपके ये मौन से आपको ही कितनी तकलीफ हुई। अरे 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 अरे, कितनी मिट्टी लगी है शरीर को। पांडुरंग, ये सब बात उधर ही निपट जाती ना। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले मुझे बताइए, पहले पहले पानी लेंगे आप या खाना ही लगा दूं? हाँ नहीं 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 नहीं, मैं एक भी नहीं सुनूंगा आपकी। अरे आप हमारे अतिथि गणोबा, अतिथि देवो भव। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपकी नाराजगी तो व्यवहार तक, हाँ, लेकिन आपको यहां से मैं खाए पिए बिना बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। हाँ, इस वजह से अगर अपना झगड़ा हो तो भी चलेगा। हाँ क्या रे, क्या हो रहा है इधर? बाबा अच्छा किया आप आ गए, ये गणोबा शेठ। कहाँ है, कौन गणोबा शेठ? ऐसे क्या कर रहे हैं आप, मैंने नहीं क्या अपने सारे कपड़े गणोबा शेठ को बेचे थे, उन्हें साथ ही लेके आया हूं मैं आपसे मिलाने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब घर में बिठा के आए हो ना उनको, जलपान का कुछ प्रबंध किया है कि नहीं? नहीं, वो कुछ ले ही नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे नामदेव, वो हमारे अतिथि है। हाँ नहीं नहीं बाबा, आप वहां कहां जा रहे हो, गणोबा शेट तो यहां है। ये पत्थर मतलब गणोबा शेट? हाँ, इसे तुमने सब कपड़ा बेचा? हाँ, मगर अब देखिए ना, पैसों का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं नहीं, मगर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा, मैं पूरे पैसे वसूल किए बिना जाने ही नहीं दूंगा इन्हें। देखा गणोबा, कर दी ना मुश्किल खड़ी, मैंने पहले ही बोला था। देखा देखा अपने अपने बेटे की धंधे की अकल। नामदेव, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, पत्थर से कोई व्यवहार करता है क्या? नहीं नहीं माँ, मैंने पत्थर के साथ व्यवहार नहीं किया,
ईश्वर का वास तो हर एक चीज में है माँ। मैंने व्यवहार किया है इस परमात्मा से। पांडुरंग पांडुरंग, ये तुम्हारा परमेश्वर अपने कपड़े के पैसे कैसे चुकाने वाला है ये बता। अरे अरे अरे, ये तो पारस है पारस। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे गणोबा को। मैं किसी को छूने नहीं दूंगा। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, हटो, पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये मेरे खेत से लाया पारस है, ये मुझे वापस दे दो। दे दूंगा, लेकिन गणोबा को हमारा व्यवहार पूरा करना होगा, हमारे पैसे देने होंगे। कितना कितना पैसा हो गया आपका, बोलिए। 200 रुपए। हाँ, ये लीजिए आपके 200 रुपए। मेरा पारस मुझे वापस दो, मेरा पारस मुझे वापस दे दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी व्यवहार पूरा हो गया गणोबा, बहुत कष्ट हुए ना, ध्यान में रखना। हाँ चलिए बाबा। ए यारे, उठाओ इसको। हाँ उठाओ उठाओ। ए लाई इधर। हाँ अरे, ये तो पत्थर है, किसने कहा ये पारस है? हाँ मेरे 200 रुपए गए। अरे बाबा, हाँ पत्थर को संत छुए तो वो पारस बन जाता है, तेरे जैसा पापी छुएगा तो पत्थर ही रहेगा। आ अब क्या करूं। अरे क्या कर रहे हो आप, शिवलिंग पे पैर रख के सो रहे हो? अरे कौन है आप? मैं नामदेव, पांडुरंग का परम भक्त। पूरे प्रांत में लोग मेरे अभंग, मेरे कीर्तन गाते हैं। मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। भिखारी भी भगवान का नाम लेके भीख मांगते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है बेटा? क्या कहा, यानी भिखारी और भक्त एक समान? हाँ एक समान, एक समान ही। आदमी के पास हो या भगवान के पास, मांगने वाला भिखारी ही। भिखारी, महारोगी, तत्वज्ञान की बात करते हो और शिवलिंग पे पैर रख के सोते हो। चलो हटाओ पैर वहां से, हटाओ। वो मुमकिन नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं है। बेटा बेटा ऐसा करो, तुम ही मेरे पाँव उठाकर बाजू में रख दो, ताकि पैर के नीचे भगवान ना आए।
गुरु माउली, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। नामदेव, तुम पांडुरंग के अच्छे भक्त हो, भगवान तुम्हारे हाथों से खाता है, तुम विट्ठल को प्रिय हो, लेकिन तुम्हें पंढरपुर छोड़ना होगा। तुम्हारे अभंग और कीर्तन में इतनी शक्ति है कि गोरोबा को फिर से हाथ मिले। औंध्या नागनाथ का मंदिर भी तुम्हारे कीर्तन से पवित्र हुआ। इस शक्ति को तुम सीमित मत रखो। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो भारत भ्रमण करके भागवत धर्म का, नाम संकीर्तन का महत्व लोगों को समझाओ। भारत का शिरोभूषण पंजाब, यहां से लोक जागृति शुरू करो। दूर तक भागवत धर्म का प्रसार, यही तुम्हारे जीवन का फलित है। विट्ठल का दर्शन लेने से पहले लोग तुम्हारे पांव छूके फिर विट्ठल का दर्शन लेंगे। ऐसा स्थान तुम प्राप्त करोगे, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। नामाचे नी पाठे जातील वैकुंठे, पुंडलीक पेठे प्रकट असे। विठ्ठल हा मंत्र सांगत असे शास्त्र, विठ्ठल हा मंत्र सांगत असे शास्त्र, आणिक नाही शस्त्र नामा विण। नामा म्हणे थोर नामाची साधार, नामा म्हणे थोर नामाची साधार, वैकुंठे विहार तया भक्ता। जन हो, जिसके नाम स्मरण से हमें वैकुंठ यात्रा प्राप्त होती है, उस पुंडलीक ने वैकुंठ का ईश्वर यहां पंढरपुर में लाके खड़ा किया है। नाम स्मरण का शास्त्र बताता है इस भवसागर की महायुद्ध भी नाम स्मरण के शस्त्र से हम मिटा सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इस नाम स्मरण के नैया में बैठ के ही हम सारे भक्तगण इस भवसागर को पार करके वैकुंठ में जा सकते हैं, अपने जीवन का सार्थक कर सकते हैं। पांडुरंग पांडुरंग, और इसीलिए राम कृष्ण हरि नारायण गोविंद वाचे सिहा छंद नाम पाठ। इस नाम स्मरण की महिमा इतनी थोर है कि यम भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए। इस नाम स्मरण से जो ईश्वर से एक रूप होता है वही ईश्वर का हो जाता है। चलिए चलिए, हम आप सभी मिलके इस ईश्वर के हो जाते, इस ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, उसके नाम का जाप करते हैं। वदन तुझे नाम अमृत संजीवनी, वदन तुझे नाम अमृत संजीवनी। असता चक्रपाणी भयकवणा, वदन तुझे नाम अमृत संजीवनी, वदन तुझे नाम अमृत संजीवनी।